बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड हेल्दी। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू इस्लामियात फॉर क्लास 4, लेक्चर नंबर 5, सूरह अल काफिरून, पेज नंबर 11। सूरह अल काफिरून इज़ द 13th पारा सेक्शन ऑफ द होली कुरान। सूरह अल काफिरून कुरान पाक के 30वें सिपारे में है। इट हैज 6 वर्सेस, उसमें 6 आयतें हैं, 6 आयतें हैं। इट वॉज़ रिवील्ड टू द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मक्का। ये सूरह कुरान पाक की हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजुल हुई मक्का पाक में। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज़ टू रिसाइट सूरह अल काफिरून एंड सूरह अल इखलास इन द 2 सुना फजर प्रेयर। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह अल काफिरून और सूरह इखलास को फजर के 2 सुन्नत अदा करने में पढ़ता था। वन टाइम रीडिंग ऑफ दिस सूरह, इस सूरह को एक मरतबा पढ़ने से हैज़ द रिवार्ड इक्वल टू दैट ऑफ 1/4 रीडिंग ऑफ द होली कुरान। एक मरतबा पढ़ने से कुरान पाक का 4th हिस्सा पढ़ने के सवाब के बराबर है। सूरह अल काफिरून वाज रिवील्ड When the idolers asked the holy prophet sallallahu alaihi wasallam to worship their idols for 1 year and in return they would worship Allah Almighty, जब सूरह अल काफिरून नाजिल हुई तो idolers यानी के बुत परस्त, बुतों को पूजने वालों ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि आप इन बुतों की पूजा कर फॉर 1 year, 1 साल के लिए, उसके बाद वो अल्लाह की इबादत करेंगे। इन अदर वर्ड्स और दूसरे अल्फाज, द आइडलर्स वांटेड टू कंप्रोमाइज इन मैटर्स ऑफ रिलीजन। आइडलर्स यानी के आइडलेटर्स यानी के बुत परस्त पूजने वालों ने कंप्रोमाइज़ कहा, कंप्रोमाइज रिलीजन के मसले में कंप्रोमाइज़ करना चाहा। अल्लाह अलमाइटी आर्डर टू द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू शो कंप्लीट अबहोरेंस ऑफ द आइडल्स एंड द आइडिया ऑफ आइडोलेटर्स से। अल्लाह पाक ने हुक्म किया हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टू शो यानी के मुकम्मल जाहिर कर नफरत, हकारत, चिड़ आइडल्स और आइडियाज़ ऑफ आइडोलेटर्स और बुतों को पूजने वालों में से। उसके बाद सूरह अल काफिरून हम पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين। सूरह अल काफिरून में अल्लाह ताला फरमाता है, ए पैगंबर, इन मुनकरान इस्लाम से कह दो के ए काफरो, जिन बुतों को तुम पूजते हो उनको मैं नहीं पूजता, और जिस अल्लाह की मैं इबादत करता हूँ उसकी तुम इबादत नहीं करते, और मैं फिर कहता हूँ कि जिनकी तुम परस्तिश करते हो उनकी मैं परस्तिश करने वाला नहीं हूँ, और न तुम उसकी बंदगी करने वाले मालूम होते हो जिसकी मैं बंदगी करता हूँ, तुम अपने दीन पर, मैं अपने दीन पर। इंशाल्लाह सूरह अल काफिरून आपको समझ में आ गई होगी तर्जुमे के साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम उनकी एक्सरसाइज पढ़ेंगे। अल्लाह।